नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक को ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इस ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को गूगल और एप्पल को अपने ऐप स्टोर से चीनी वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद ये कदम सामने आया है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ टिकटॉक ऐप की मालिक चीनी कंपनी बाइटडांस टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को कोई राहत न देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक ने आदेश को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है और प्रतिबंध पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने बचाव में टिकटॉक का कहना था कि उसे इस तरह की सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टीज अपलोड करती है। टिकटॉक ऐप पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ है। बता दे कि कंपनी ने पहले इसे म्यूजिकली के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर टिकटॉक रख दिया गया। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में इस ऐप को दुनिया भर में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। आपको बता दे, इस कंपनी के अधिकार चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। टिकटॉक ऐप को भारत में बैन करने के पीछे कई वजह सामने आई है। पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें टिकटॉक ऐप की वजह से कुछ बड़े हादसे हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ मौत भी हुई है। और इसका एक बड़ा कारण अश्लीलता से भरा हुआ कंटेंट भी बताया जा रहा है। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।